तो अब आपकी थोड़ी स्कूल टाइम की ओर चलना। नहीं अच्छा थोड़ी थोड़ा थोड़ा अड़क 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 नहीं 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 स्कूल से बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मजा नहीं आया न्यू ना करो मैडम, थोड़ा अजीब सा फीलिंग हुआ मैंने, थोड़ा न्यू करो तो मैडम बैठे बुला रहे हो मैं स्पेशल तरीके। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, है ना जी, है ना। तेरी खातिर ले हंसू कमा के छोरी दे चले, मुझे पता ही रणदीप हुडा, ओ रणदीप हुडा जैसे उसमें लग रहे हैं ना वो, मतलब फीलिंग, मतलब एक वो कहते हैं ना सॉन्ग और वो हरियाणवी लुक और वो सारी चीज़ जा रही है। मैं ज्यादा तारीफ करे जा रही हूं रणदीप हुड्डा जी। लाइन सुनी उसकी, स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शक ना मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात है किसी क्यूट से चेहरा तो होगी जितना अपनी मासूमियत है लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। तो बहुत सही सुने भाई आपने, आज आपकी मुलाकात होगी रुहमान अहमद है। तो मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो मैडम जी इंटरव्यू तो बाद में शुरू करांगे, आज आप हरियाणवी गाने की सूट पाई हो तो कोई भी एक हरियाणवी गाना गुनगुना दे। ओए होए होए नहीं आप गुनगुनाओ, अरे आप गाओगे ना ज़्यादा मज़े आएंगे क्योंकि वो एक्सेंट आएगा, मैं इन्जॉय करूँगी। दिल के पास कौन सा हरियाणवी गाना था मान लो? देखो अब हरियाणवी का मतलब वो होता है, अरे बहुत बेटा हरियाणवी का मतलब होता है चौड़ वाले गाने, है ना। तो आप ऐसा कोई गाना गाओ जो मुझे पता भी हो और मैं एंजॉय भी करूँ। चोड़बाजी आपको चोड़बड़ समझ में आने लग गया है? नहीं मुझे चोड़बाजी पसंद है। अच्छा, ये मुझे पता है। हाँ ये पता है मुझे। हाँ लड्डू लड्डू कह के मन्ना बोरा बोरा खा गिर रहे। नहीं ऐसा नहीं है, ये मुझे समझ भी आई और ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। नहीं नहीं वो वाला गाना गा दो, वो हट जा पास से, हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे जी बरकन। हाँ गाओ ना, हट जा गाओ, आप सुन नहीं आप नाचोगी ना? मैं गाऊंगा तो आप नाचना पड़ेगा, अगर आप गाओगे तो फिर मैं नाचूंगा। ये गलत डीलिंग हो रही है। ना 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 चलो जैसे मैं बोलता हूं वैसे रिपीट करते रहो। हट जा ताऊ ताऊ पाछे पाछे ने ने नाचण दे जी भर के मन्ने मन्ने। हां ठीक है तो देख लो भाई, कोशिश तो करिए कुछ ना, लेकिन जब हरियाणवी इंडस्ट्री में आइए तो भाई समझ जाएगी। तो मैडम जी जो दर्शक है नहीं आपके, जो लाखों करोड़ों में आपके दर्शन हो और आपके मासूम चेहरे के जो दीवाने हैं नहीं उतनी न्यू नहीं पता, ये मासूम चेहरा जो इंडस्ट्री में आया है नहीं उसने कुकर स्टार्टिंग करी हम डीएस लाइन की। कैसे स्टार्टिंग की मैंने? ऐसे ही मासूमियत के साथ ही स्टार्टिंग की थी। वैसे ज़्यादातर हरियाणा में भी लोग ख्वाब यू नो पसंद करते हैं, सो ज़्यादातर लोग मुझे ख्वाब गर्ल के नाम से जानते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट भी है कि मैं बोल सुन नहीं सकती, बट आप देख सकते हैं मैं बोल सुन सकती हूँ। सो हाँ वो मेरी शुरुआत का टाइम था, मेन जो हाइप हुआ था और जिससे लोग मुझे जानते हैं वो ख्वाब है। दसीना मेरे बारे भी है। हाँ। बट ख्वाब से वो गुंगा बहरा वाला वो फेमस हुआ था। उसका एक्सपीरियंस जैसे जैसे वो चश्मा लो, चश्मा दे रहे हैं चश्मा, वो 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 वहाँ पे पड़े चश्मे भी ना वो टूटा अपना वाला दे दे अपना ये हाँ वो टूटा हुआ ये वाला वो थोड़ी देर के लिए गणा एंडी लग गए की लगे गणा एंडी लग गए। हाँ यही है। हाँ तो उस गाने के दो बोल भी हो जाए आप गाना में। यार गवाते क्यों, थोड़ा एक्शन किया ना, गाना बैकग्राउंड में लगा ना, जब तो उसके कानों में ये बात समझ में नहीं आएगी कि आज चल क्या रहा है, तो ऐसे एक्टिंग कानों में जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं ऐसे एक्टिंग करते हुए अच्छी लगती हूँ, बातचीत करते हुए अच्छी लगती हूँ, क्यूट कर दो क्यूट बेसिस पे स्वर। लिप सिंक करूंगी आप गाओगे? लिप सिंक मैं करूंगी आप गाओगे? गाओ 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 लिप सिंक करूंगी जी। मैं जद तेरे खाबा वाली राजूने आगम नांदा मैंने पंजाबी गाने हरियाणवी गैस गाऊ तो चल मैं हरियाणवी गाऊंगा अपना, उस पर लिप सिंक करनी है। अच्छा थोड़ी देरी पहले पहले करिए फिर। तेरी खातिर ले हंसू कमा के छोरी दे चले, मुझे पता ही रणदीप हुडा, ओ सुनाए आप करो चलो उस पर लिप सिंक करो ठीक है। तेरी खातिर ले हंसू कमा के छोरी देख ले तू अजमा के ना कर मरोड़, तेरे पे मैं कर दियूं खर्च करोड़, तेरे पे मैं कर दियूं खर्च करोड़। रणदीप हुडा इसमें अच्छा लग रहा है। तो उस गाने को सुनकर क्या कुछ फीलिंग आती है? ऐसे
चौड़ वाली टाइप से, और वो रणदीप हुड्डा जैसे उसमें लग रहे हैं ना, वो मतलब फीलिंग, मतलब एक वो कहते हैं ना सॉन्ग और वो हरियाणवी लुक और वो सारी चीज़ जा रही है। मैं ज़्यादा तारीफ करे जा रही हूँ रणदीप हुड्डा जी की। सुनिए उसकी जो राधा न पाया शाम में। हाँ बस ठीक है, इतने पे रुक जाते हैं। यही मतलब क्या था, मतलब बताओ उसका क्या था। सुकून सुकून आता है उस गाने को सुन के। मुझे तो चौड़ आती है। देख तो आपने सारे गाने मासूम के कहते करो, आप जितने भी गाने में आपने देखा थोड़े मासूम सा चेहरा देखने मिला, कुछ गुंडागर्दी कर थोड़ी तड़कती भड़कती चीज़ ज्ञान लेके जाने। मैं करना तो चाहती हूँ ऐसा, आई होप हरियाणवी लोग मुझे ऐसा मौका देंगे, क्योंकि मेरा शौक तो बहुत है ऐसा यू नो करने का, बट मैं फंस जाती हूँ अपने थोड़े क्यूट से लुक्स की वजह से। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वो भी कर सकती हूँ, क्या पता आप लोगों को सरप्राइज मिल जाए। जी बाकी देखिए हरियाणा में कौन सा गाना अपना मतलब पहला आया दूसरा हरियाणा में जो बड़ा गाने लग रहा है। ये जो मैं अभी गाना कर रही हूँ शूटिंग, ये मेरा दूसरा सॉन्ग है जी। हाँ जी, पिछले साल ही मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था हरियाणवी, ये अभी सेकंड है, लेट्स सी आगे क्या होता है जी। इस गाने का नाम क्या है जो आज शूट होने लग गया है? अभी ऑफिशियली इसका नाम डिसाइड नहीं किया है। नाम डिसाइड हो गया जी? नहीं, देख लो भाई मॉडल नाम नहीं पता, सेहरा नाम है गाने का, सेहरा नाम है। नहीं नहीं सेहरा है, बट रिलीज क्या करेंगे किस नाम से करेंगे वो तो अभी वो लेबल डिसाइड करके वो करेंगे ना। लेकिन सिंगर ने तो सेहरा कर दिया ना, तो फिर सेहरा ही है, जब उधर से अप्रूवल आ गई तो वही है। तो हर गाने में आप जो आर्टिस्ट हो उनके दिल तोड़ो, तो इसमें आपने थोड़ा दिल तोड़ रखी है एक प्रेम कहानी में, क्या मतलब बितता कि जिसके दिल है तोड़ना। मैं दिल नहीं तोड़ती, या तो मेरा कोई दिल तोड़ता है या दोनों का ही टूट रहा होता है, इसमें दोनों का ही टूट रहा है, इक्वल है। तो अब आपकी थोड़ी स्कूल टाइम की ओर चलना। नहीं वैसे वैसे आवारागर्दी और तफरी की भी है स्कूल में। नहीं नहीं स्कूल में नहीं, हम लोगों ने बाहर स्कूल में गए, हम लगता है मुझे देख के बताते क्यों नहीं, बताने में क्या हर्ज है ना। स्किप नहीं, कंटिन्यू नहीं, उसके अलावा पूछो, बाहर कॉलेज ओ नहीं, उसके अलावा बाहर की मस्ती बाहर की तफरी पूछो। अच्छा ये सही है वर्डिंग चेंज कर करके, ना 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 हरियाणा का कोई भी एक ऐसा वर्ड जो बिल्कुल दिल का पास और बार बार बोलना जी कर दो। गेल मेरे फ्रेंड्स लोग बड़ा बोलते थे गेल, और ज़्यादातर मेरे जाट गुजर फ्रेंड्स रहे हैं ना दिल्ली में, मैं दिल्ली की हूँ तो वहाँ पे सारी चीज़ों का मिक्सचर चलता है, तो उन लोगों को मैंने ऐसे सुना है ना बोलते हुए, और वो सारे ऐसे लंबे लंबे छः छः फुट के ऐसे होते हैं और हरियाणवी बोल रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो तब पहले यूज़ टू हुआ करती थी, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब याद नहीं और जोन में नहीं है, बट ऐसे ऐसे बड़े सारे वर्ड्स होते हैं गैल, और ऐसे वो फोन वोन करके वो बोल रहे होते हैं ना एक दूसरे को, क्या 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 आप बताओ ना। हरियाणा का एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, कबूतर सुना भी होगा आपने, उड़िया उड़िया कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठिया। नहीं मैंने नहीं सुना आज के हर एक युवा जो दिल की धड़कन बने आया गाना और आपने नहीं सुना, तो आपको सुनाना चाहिए ना मुझे, तो फिर आप रिपीट करो मेरे साथ, मैं बोलता नहीं सुनाओ ना आप पहले। नहीं रेणु पवार जी का गाना है और आपने मैं जो बोल लूंगा मेरे साथ साथ गुनगुनाना है, ठीक है? अच्छा उड़िया 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 ए कबूतर कबूतर मेरे मेरे ढूंगे ढूंगे क्या होता है? अरे बाप रे, नहीं कोई ढोंगे से नहीं उड़ा है, नहीं मतलब एक कबूतर आ जाता है बैठता बार बार ऐसे क्यों बैठेगा ऐसे नहीं बैठा, उड़ा उड़ा कबूतर मेरे ढोंगे में बैठिया। नो नहीं मतलब कोई मतलब दिल्ली में तो बहुत से कबूतर हुए हैं, कबूतर तो देखे जाओ मैं वो उड़ उड़ का कोई बैठता तो होगा क्या, बालकनी में बैठा दो बालकनी में। हाँ ठीक है हाँ मतलब आपने वो कबूतर ढूंगा तो ठेगा बालकनी में ठहर दिया। नहीं बालकनी में बैठा हुआ था कबूतर पहले से जी। हाँ। अपनी लाइफ का कोई एक भी कमीना दोस्त, कुछ कमीने दोस्त हो जो अपना बार बार कड़ी ना कड़ी पसंद है रहे करे? वैसे तो सारे दोस्त एक ऐसे ही होते हैं, दोस्त कभी अच्छे नहीं होते, ऐसे मस्ती वस्ती करने वाले ही होते हैं, क्या बताना गया मैंने उनके बारे में, मतलब कोई ऐसा दोस्त दिल के पास हो बार बार मस्ती करता रहता हो अपने साथ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
नहीं, सबसे ज्यादा मजा कौन से गाने में आवा कर दिया ने? सबसे ज्यादा मजा कौन से गाने में आवा कर दिया ने? हरियाणी भी लाग रहे हो कण, पंजाबी भी लाग रहे हो कण, और कदे हिंदी दा भी ओवर है इसका करे मैं मिक्स मिक्स। जैसे ये खर्च करो मुझे बड़ा पसंद है ये वाला गाना, भोजपुरी तो लगाई लाता जब ले पेस्ट है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ना कि हाँ ये सुना है मैंने, गुनगुना दे फिर थोड़ा। यार ये मेरे को गाना गवाने, आप चाहते हो मैं एक सिंगर भी बनूं? ना ना ना, डबल कमाई, खुद गाना और खुद मैं इतने में खुश हूँ ना, अब सबका काम ले लूंगी तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। कुछ हो ना कि थोड़ा डबल टैलेंट हो जाएगा अंदर में, गाने का भी और मॉडलिंग का भी। नहीं मैं इसमें खुश हूँ बस। पंजाब में आपने इतने सारे गाने करे हैं, कौन सा भी एक ऐसा गाना जो दिल के दिल का बिल्कुल छू गया हो और बार बार आप उस गाना जब भी उदास होते हो उस गाना सुनकर थोड़ी खुश हो जाती हो? अभी तो रीसेंट टाइम में जोड़ी पसंद है मुझे, उस अजीब नहीं अदीब अजीब बाड़ी बाड़ी ये सबके नाम गलत ले रहे सबके नाम गलत लिए। हाँ सज्जन अदीब जी का गाना है और उस पे ना मतलब वो गाना सुनने में ना ऐसा लगता है कि यू नो मेरे ऊपर बना भी है लेकिन उस पे ऐसे वो भी बना था कि यू नो दुत्ते मलाई वर्गी और उस पे लोगों ने भी बोला कि मलाई उनको पसंद नहीं है, मलाई कुछ लोगों को पसंद होती है, सो वो वाली बातचीत है। तो ये बेकर कड़ुवास वाला होगा, मन में कुछ कराई थी कि इस इंडस्ट्री में जाना क्योंकि और भी तो अपनी लाइन उसकी थी कि डॉक्टर बन जाऊँ, मास्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ। मैं टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं मॉडलिंग या एक्टिंग करूँगी, ये एक्चुअली जस्ट लक बाय चांस मैं आ गई थी। बट मुझे पता नहीं था कि मैं इतना सीरियसली इसमें इंटू हो जाऊँगी, बट इतना टाइम हो गया ना, एक्चुअली 2017 में मेरे लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जब मैंने सीरियल किया, तो उस पॉइंट के बाद से ये मेरा परमानेंटली ऐसे प्रोफेशन बन गया। आई गेस अगर मैं नहीं होती मॉडलिंग एक्टिंग में तो मैं टेनिस प्लेयर होती या मैं फुटबॉल या बास्केटबॉल प्लेयर होती। जी आपने सीरियल में भी काम करे? हाँ जी। ये बताओ फिर, ये भी देखो खुलासा हो जाएगी मैडम, सीरियल में भी काम करे, क्या सीरियल बताओ कौन सा? जी मैं जी टीवी पे आता था मेरा सीरियल सेठ जी के नाम से, उसमें ज़्यादातर लोग मुझे प्रगति के नाम से जानते हैं और फूल पखरी भी। वैसे आपको फूल पखरी का मतलब पता है? ये इनका टेस्ट बहुत हरियाणवी ले रहे मेरा। फूल पखरी का मतलब बताओ? फूल तो फूल हो गया। हाँ पखरी मतलब बकरी, बकरी या पकरी? देख लो आज इंटरव्यूअर का इंटरव्यू हो गया। फूल पकरी गया मतलब पके फूल। और तितली फूल पखरी। हाँ। हिंदी में बोलते हैं बटरफ्लाई को, बटरफ्लाई। देख लो मैं, ये भी खुलासा हो गया तो नॉलेज सबके लिए। जी तो जी टीवी में एक भी अपना डायलॉग हो जाए उसका फिर नाटक का, ऐसा कोई खास एक डायलॉग रहा बार बार उस नाटक में, क्योंकि एक किरदार का एक मेन डायलॉग हुआ है बार बार नाटक में? नहीं ऐसा कुछ वो था नहीं उसमें, मतलब ऐसा ट्रेडमार्क वाला, और उसको आए बहुत टाइम हो गया। अपना कोई खास सपना कि मुझे उस कलाकार के साथ काम करना है, और मेरे बार बार अंदर का एक सपना है कि अगर उस तक मेरी बात हो जानी है। मेरा एक ही सपना है कि मैं अगले 20-30 साल तक ऐसी दिखूं और ऐसे ही काम करती रहूं। ये वाला सपना ज्यादा बेटर है किसी और के साथ काम करने से अच्छा है। देख ले भाई 40 साल की उम्र में इतनी सुंदर लग रही है मैडम, अगर 20-30 साल मतलब अगर 80 साल की हो जाए तो ऐसी लगनी चाहिए। हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए, ये होता है ना सपना, ये होती है सपने वाली बातचीत। जी मतलब 40 साल की हो गई अपनी उम्र है लगता है आपको, पास बैठ के आपको लग रहा है ऐसा? एक आप बताओ, सीरियसली बताओ, पास बैठ के आपको क्या लगता है? मैम आज के टाइम में अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं, स्किन लोग शुरुआत में लोग खिंचवा के, ऑपरेशन वाली स्किन पता चल जाती है आपको भी पता है, अब इतने पास बैठे हो आपको पता चल रही है कि नहीं बताओ? मैं फिर भी मैं लगा पूछूं मैं आपसे, आप बता दे उम्र की क्या? उम्र की हो रही? उम्र तो नहीं बता रही। या खास बात पाओ भाई, लड़की अपनी उम्र क्यों नहीं बताती आप? ताजा जी सवाल है, किसी ने पूछ लो कोई भी अपनी उम्र को। अपनी उम्र की लगती नहीं हूँ, वरना तो लोग बता देते हैं ना अपनी उम्र। मैं अपनी उम्र की लगती नहीं हूँ तो मैं बताऊँ क्यों? कौन सी उम्र से स्टार्टिंग करती है बता दो। जब मैं 15-16 की थी। और कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? हाँ देखो कितने हरियाणवी वर्ड बताओ स्मार्ट बन इनके लिए क्या बोलेंगे, क्या बन रहे हो चलाक को इंग्लिश? लड़कियां बहुत सी टैलेंट हुआ है लेकिन उस टैलेंट ने घर वाले परिवार वाले दबा दें क्योंकि उनका टैलेंट तो उठड़ वो देते, तो उनकी क्या कहना चाहोगे?
देखिए, अगर आप लोगों की फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी काम कर सकते हैं ना। जैसे कि मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकती, है ना। तो मैं जितना भी काम करती हूँ, मैं अपने कॉस्ट्यूम्स, अपने सीन्स, अपना जो भी सॉन्ग होता है, सारी चीज़ें पहले सुन के कन्फर्म करके कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसमें ऑब्जेक्शन हो सके, वो करती हूँ। तो अगर कोई भी ऐसी फैमिली है या कोई भी ऐसा इंसान है जिन्हें लगता है कि यू नो उनकी बेटी या बेटा बिगड़ जाएगा या उन्हें नहीं करना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले पता कर लो, है ना, कि क्या चीज़ है क्या नहीं। एंड बिलीव मी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप पहले पता करके ना करो और वहाँ पे जाके फंस जाओ। तो अगर आप करना चाहते हो तो पता करके कर सकते हो। तो लड़कियों के लिए सेफ है प्रोफेशन अगर वो अपने आप को सेफ करके चलेंगी। सबका काम उनके ऊपर होता है कि वो कैसा करना चाहती हैं। जैसे मैं अपने लिए मेक श्योर करती हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं वो प्रॉपर हैं, जो वर्डिंग्स हैं, जो भी मेरा यू नो सीन्स हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी भी फैमिली है और मेरी फैमिली ना सारा काम देखती है ना। तो अगर आपके फैमिली वाले ऐसे बोलते हैं तो उनको आप श्योरिटी दीजिए। और ऑफकोर्स आपको उस चीज़ पे वो भी होना होगा, ये नहीं कर सकते कि आप आ जाएं प्रोफेशन में और फिर उनको यू नो पीछे कर दें एक दो प्रोजेक्ट करने के बाद। जैसा कि मैंने देखा है लोगों को, है ना, लोग मुंबई चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उनकी फैमिली है। बट नहीं, अगर आप जितना सब कुछ ले कर चलोगे उतना ही आप लंबा चल पाओगे, वरना 2-3 साल और आप बाहर हो जाते हो। और एक क्वेश्चन और जो अटके हुए, खासकर आपका नाम पाचा कई जगह देखेंगे, रहमान अहमद रुमान ये नाम मिस टाइप का हमारा सही समझ में रुमान अहमद और कई जगह रुमान शाहरुखियों के फंडा है। अच्छा, रुमान अहमद मेरा नाम है, अहमद मेरा सरनेम है, रुमान शाहरुख मेरा यूज़र नेम है। उसके पीछे स्टोरी ये है कि जो बचपन से ही यू नो मेरे आईडीज रहे हैं याहू मैसेंजर के ज़माने से, वो रुमान शाहरुख था। तो मुझे ये था कि मुझे बचपन से शाहरुख खान पसंद है, तो मुझे ये था कि बड़े हो जाने के बाद मैं चेंज क्यों करूँ। वो चीज़ जैसी चलती आई, मुझे चेंजेस पसंद नहीं है, मतलब क्यों करूँ चेंजेस, क्योंकि मैं ग्रो हो रही हूँ या मैं यू नो अचीव कर रही हूँ, तो मैं वो चेंज क्यों लाऊँ। मुझे पसंद है कि मैं सबको साथ में लेके और अपनी वही सारी चीज़ें लेके चलूँ और उसे ट्रेंड बनाऊँ या उसे अपनी चीज़ बनाऊँ, इंस्टेड ऑफ किसी और की चीज़ में जाने से। ये मैं मानती हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं आप किसके साथ काम करना चाहोगे, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ आके काम करना चाहें। तो एक प्रश्न और क्वेश्चन है, लाइफ में सबका एक कोई ना कोई क्रश रहा है, अपना भी रहा कोई? मेरे क्रश बदलते रहते वैसे फॉरएवर क्रश शाहरुख खान है, बट अब ऐसे अब आप दिखा के पूछोगे तो वो मतलब उस वक्त वीडियो पहुंच रही है ना, देखने देख रहा है इसमें, मतलब देखो क्या बोलना चाहोगे, उसकी कोई बैड हैबिट हो जो सुधार ले? कौन क्रश नहीं है, जैसे क्रश बदलते रहते हैं। क्रश का क्या मतलब होता है, आप किसी को देखो आप पसंद कर लो, हाँ। तो वो तो क्रश तो बदल सकते हैं। अब मैं कुछ वीडियो देख रही हूँ, मुझे वो क्रश बन गया, फिर वही तो फिर उसको कुछ अगर उसमें कुछ बैड हैबिट लग रही है उस आपकी वीडियो शायद थोड़ा समझ जाए। नहीं देखो, क्रश मतलब क्रश होता है फिर तो क्रश हो गया ना वो तो। लास्ट में गाना गा दे फिर, योर गाना बड़ा गवाते हो, क्यों गाना क्यों गवाने के पीछे पड़े? मैडम बैठ बलारो, मैं स्पेशल तेरी खातिर ले आया। मजा नहीं आया, न्यू ना करे और मैडम थोड़ा अजीब सा फीलिंग हुआ, मैंने न्यू थोड़ा न्यू न्यू करा तो मैडम बैठ बलारो मैं स्पेशल तेरी खातिर ले आया, स्पेशल आपके लिए लेके आया बलारो। है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है और बाहर खड़ी है ऐसे मजे नहीं आ रहे। तो बोलो मेरा से, मैडम मैडम इनको बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ ये और कोई और फन होना चाहिए ना। हाँ हाँ समझ रही हूँ। ओके बताओ, मैडम मैडम बैठ बैठ बलारो बलारो मैं स्पेशल स्पेशल तेरी खातिर लाया। हाँ आज तुम मार ले छुट्टी, आनंद कर दियो पाया है क्यों ये डबल नहीं नहीं नहीं, ये फंसाने वाली लाइन है। तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत मज़े आए। ये मेरा पहला यू नो हरियाणवी एक्सपीरियंस रहा है एंड ये बड़ा फन लविंग और बड़ा यू नो ऐसे मस्ती और चौड़ और इस सब में गया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। आज आप पहली बार स्टार मीडिया हरियाणा चैनल पे, हाँ जी, फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, है ना जी, है ना। हाँ सी
तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू आप। तो भाई ऐसे बने रहिए, ऐसे और भी इंटरव्यू लेगा आप तक रूबरू होते रहोगे। नया चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ऐसे बने रहते स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।